अच्छा भाई, ये मई जून 22 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। अ वाइब्रेटर इज यूज्ड टू ऑसिलेट द स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस एन ऑब्जर्व स्टेशनरी वेव। एट वन इंस्टेंट द मूविंग स्ट्रिंग इज स्ट्रेट एज शोन इन फिगर 5.1। The dots in the diagram represents the position of the nodes on the string. Point P on the string is moving downward. The wave on the string has a speed of इतना स्पीड बता दी है और टाइम पीरियड बता दिया है इसका एक सिंगल वेव का। एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव इज़ फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास वो एक ही फिक्स पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करते रहें। तो पहला पॉइंट तो आप इसमें ये लिखोगे कि दे शुड मूव या फिर दे शुड ट्रेवल एंड रिफ्लेक्ट एट फिक्स पॉइंट्स। वेव्स ट्रेवल फिक्स पॉइंट्स, ट्रेवल एंड रिफ्लेक्ट होगा ये। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप बता दोगे मेरे पास कि जो मेरे पास ये वेव्स हैं ये सुपरपोज हो रही हैं एक दूसरे से, तो वेव्स ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस आर सुपरपोज। तो ये इसका हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है? ऑन फिगर 5.1 स्केच अ लाइन टू शो अ पॉसिबल पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल लेटर देन द पोजिशन शोन इन द डायग्राम। अच्छा, उसने बता दिया कि पॉइंट पी मेरे पास मूविंग डाउनवर्ड है, वो मूव करना शुरू हो रहा है डाउनवर्ड। तो अगला जो बनेगा वो लेट्स से अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये यहाँ पर आएगा, फिर ये वापसी यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा। तो ये एक वेव बन जाएगी इस तरह की। क्योंकि नोड्स हैं, नोड्स पे मेरे पास हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगी। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का मुझे पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसमें मेरे पास वेलोसिटी मुझे बताई थी इन्होंने 35 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड बताया था 0.04 सेकेंड। तो वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, तो वी इज इक्वल्स टू 1/T लैम्डा हो गया। वी टाइम्स टी इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो 35.35 टाइम्स 0.04 कर दो, दैट बिकम्स 1.4 मीटर। ये काम मुझे यहाँ खैर नहीं करना था, ये पूरा काम यहाँ पर होगा। माई बैड। तो 1.4 मीटर की एक एक लैम्बडा है। इसमें कितने लैम्बडे आ रहे हैं देख लेते हैं। लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 हाफ है। तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.4 टाइम्स 2.5, मेरे पास डिस्टेंस डी आ जाएगा, दैट बिकम्स 3.5 मीटर्स। तो यहाँ पे 3.5 सॉरी। अच्छा, अब आखिरी आ रहा है। अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t0। फ्रॉम टाइम t0 टू टाइम t0.06 सेकेंड्स द पार्टिकल मूव्स थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 72 मिलीमीटर।
कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा तो पहले तो नंबर ऑफ पीटर्स देख लेते हैं कितने आ रहे हैं मेरे पास इसमें। एक साइकिल आपके पास रिवॉल्व कर रही है 0.04 सेकंड में, तो 0.06 सेकंड में एक्स हो जाएगी। इस एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.5 साइकिल्स। तो बेसिकली ये 1.5 साइकिल्स हैं। और इसमें नोड्स कितने आ रहे हैं नोड्स भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जब 6 नोड्स हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इसे 72 का कवर कर रहा है, तो 72 को आप डिवाइड कर दें 6 से तो मेरे पास वर्टिकल एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेसिकली। तो मेरे पास ये 12 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड इसका 12 हो गया इस तरह। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।